फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक टिप्स बाय मानसी। तो फ्रेंड्स, लास्ट की मैं वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जो चिमनी है इसके फिल्टर क्लीन करना, लेकिन अब हमारा रह जाता है ये हुड। इसको हम कैसे क्लीन करें बिना उतारे, मीन्स अगर हमें इसको उतारना नहीं है तो हम कैसे क्लीन करें। आप ये देख सकते हैं ये काफी गंदा हो गया है, और आपको मैं यहाँ भी दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस पे ये जो काफी देखिए ऑयल है सब तरफ, तो इसको हम कैसे क्लीन करें इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप हुड उतार नहीं पाते हैं और बहुत मुश्किल है उतारना, तो हम बिना उतारे ही आप मेरे हैंड्स पे देख सकते हैं कितना ऑयल है, ये देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर नीचे रख लेना है जिससे कि ऑयल गिरे तो यहीं गिरे, हमारा गैस खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है एम्बे का जूम है ये, और ये एक तरीके से कास्टिक सोडा का ही काम करता है, लेकिन चिमनी हमारी जो फिल्टर है वो बहुत गंदे होते हैं, तो उसमें हम इसको यूज ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका हल्का गंदा है फिल्टर तो यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन अब इस जगह हम जो है कास्टिक सोडा यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने जूम लिया है ये, और कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले लें। इसमें मैंने 2-3 जो है ढक्कन इसमें जूम डाला है और वाटर इसमें फिल कर दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे जस्ट इस तरीके से पहले सारे में स्प्रे कर देना है, और आप देखेंगे कि स्प्रे करने के बाद जितना भी ऑयल जो इसमें है वो सब मेल्ट होके नीचे गिरने लगेगा, और आपको क्लीन करना भी ये इजी रहेगा। आप पहले अच्छे से स्प्रे कर लें हर जगह, इसमें बहुत इजीली क्लीनिंग हो जाती है इससे। फ्रेंड्स, चिमनी एक ऐसी चीज है जो क्लीन होने में ना बहुत टाइम लेती है और बहुत मुश्किल है, बट अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो हम इनको बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारा जो है ऑयल है मेल्ट होके नीचे गिर रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहां पर जितनी भी गंदगी लगी हुई है ऑयल, ये सारा इससे क्लीन हो जाएगा। और आप कोई भी स्क्रॉच ब्राइट लेके जो जो आपको लगता है कि यहाँ पे गंदा हो रहा है इसको थोड़ा सा रब करें पहले। यहाँ पे एक्चुअली जो चिकनाई होती है बहुत जिद्दी होती है, ये चिपक जाता है, तो इसलिए हमें स्क्रॉच ब्राइट से इसको रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। बट ये है कि स्प्रे जूम का स्प्रे करने के बाद बहुत इजीली ये जो है क्लीन हो जाता है। और कोई भी आप कॉटन का क्लॉथ लेके आप देख सकते हैं वीडियो में एकदम से जो है आपको लग रहा है जहां जहां रह गया है वहां थोड़ा और स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप ये कपड़ा लेके, क्योंकि इसमें जो सारा ऑयल है वो मेल्ट हो चुका है, आपको कपड़ा लेके सिर्फ इसको
अच्छे से वाइप करना है। आपको ये एक दो बार करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से पोंछ लें, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो आ जाएगा। फिर से स्प्रे करके आप जो है चाहे तो स्क्रॉच ब्राइट यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि ऑयल क्या होता है, फिर सारा अंदर इसमें जो है चिपक जाता है। आप ये साइड का भी देख सकते हैं, इस ये जो साइड का हमारा होता है यहाँ पे बहुत ऑयल आ जाता है, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो बहुत छीटे जाते हैं। आप सिर्फ स्प्रे करें और स्क्रॉच ब्राइट से इसको क्लीन करें। जहां थोड़ा जिद्दी है वहां आपको थोड़ा रब करना पड़ेगा, बट इजीली निकल जाएगा। क्योंकि किचन में कुछ जगह ऐसी होती है वहां जहां पर जो है ऑयल बहुत ज्यादा जाता है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा बोर्ड। अब बिल्कुल भी इस पर ऑयल नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ कितना सारा ऑयल है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हमारा चिमनी है यहाँ का पूरा पोर्शन क्लीन हो चुका है। फिल्टर हमने लास्ट वीडियो में क्लीन किए थे और आप ये भी देख सकते हैं पूरा इसमें से ऑयल जितना भी था वो टपक के नीचे आ गया है और बाकी बचा हुआ हमने क्लॉथ से क्लीन कर दिया। मीन्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऑयल नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा जो है हुड पूरा क्लीन हो चुका है और फिल्टर भी क्लीन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हुड एकदम क्लीन हो गया है, जैसे कि हमने मार्केट से ही कराया हो। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, सारा ऑयल जो है हमारा जो जूम है उससे क्लीन हो गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं पर भी आपकी जिद्दी जो है चिकनाई होती है वो सब क्लीन कर देता है। आप देख सकते हैं सब कुछ क्लीन है और हमारा बोर्ड भी क्लीन हो गया है साइड का। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए इसी तरह की टिप्स लेने के लिए। और इस वीक दिवाली से रिगार्डिंग मैं जो है काफी सारी टिप्स आपको दूंगी क्लीनिंग से रिलेटेड। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।